फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य को साइबर क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अब तक आरोपियों ने करीब 280 लोगों के साथ लोन दिलाने के नाम पर लगभग 25 लाख रुपए की ठगी की है। भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां सरकारी इंजीनियर खुद के साथ हुए साइबर फ्रॉड के बाद ठग बन गया। नेशनल सिड कॉरपोरेशन में काम करने वाला इंजीनियर लोन दिलवाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था और गर्लफ्रेंड और अय्याशी के लिए कॉल सेंटर चलाने का आदी हो गया था। साइबर क्राइम की टीम ने मुख्य आरोपी प्रशांत कुमार पाटिल और उसके दो साथियों योगेश पाल और गौरव शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। अब तक आरोपी 280 लोगों से 25 लाख की ठगी कर चुका है। आरोपी से प्रकरण में प्रयुक्त मोबाइल फोन, लैपटॉप, राउटर, फर्जी सिम और खातों को जब्त किया गया है। विवेचना के दौरान पता चला है कि आरोपियों के द्वारा मध्य प्रदेश और अन्य राज्य के कई युवा बेरोजगारों को ठगा गया है। पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है। भोपाल साइबर पुलिस के द्वारा जो है एक टीम का जो है अंतर्राज्यीय गिरोह है, ये जो है बेसिकली जस्ट डायल के थ्रू जो है लोन प्रोवाइड करने की जो है बात करते थे और इसके थ्रू इनका ये पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडी था कि आरोपीगंज जिसे भी जस्ट डायल की जो है लोन की जरूरत पड़ती थी वो इनसे लोन की जो है मांग करते थे। कुछ समय के लिए जो है ये जो है कुछ प्रोवाइड करते थे, बाद में फर्जी सिम से इनके जो भी पैसे हैं ये जो है इस तरीके से ले लेते थे। लगभग 280 लोगों के द्वारा जो है 25 लाख रुपए की जो है इनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है। जो मेन आरोपी है प्रशांत कुमार पाटिल, वो बीटेक उसने किया है सोनीपत से और ये अभी गवर्नमेंट में जो है नेशनल सीड्स कोऑपरेशन लिमिटेड है दिल्ली में, वहाँ पे काम कर रहे थे और इन्होंने जो है कॉल सेंटर यहाँ पे चला रखा था दिल्ली में। प्रशांत कुमार पाटिल के साथ योगेश पाल और गौरव शर्मा, ये दो और आरोपी हैं, इन्हें जो है गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ साथ जो मुख्य जो हमारे आवेदक थे इनके साथ लगभग 60,000 रुपये की जो है धोखाधड़ी की गई थी। साइबर पुलिस के द्वारा जो है रेगुलरली लोगों को जो है ये अवेयर किया जा रहा है कि आप जो भी अगर क्राइम होता है तो आप हेल्पलाइन पर संपर्क करें और आपके जो भी पैसे उसे रिफंड एवं फ्रीज कराने के साथ साथ और भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। तक की धोखाधड़ी की 280 लोगों की ऑल ओवर इंडिया के हैं ये कुछ इस तरीके से। दरअसल इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रशांत कुमार पाटिल के साथ ही शुरू में फ्रॉड हो गया था। जब इसके साथ फ्रॉड हो गया जस्ट डायल में कि जस्ट डायल से ही फ्रॉड हुआ, तब इसने सोचा कि क्यों ना हम भी ऐसा फ्रॉड करना शुरू करें। तो जो है बीटेक इंजीनियर था, इसने जो है ऑल ओवर जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने जो है इसके जो है जब इसके एनालाइज किए बैंक स्टेटमेंट से, तब हमें जो है लगभग 25 लाख तक के लोन की जो है धोखाधड़ी की जानकारी। आरोपी दिल्ली में पीतमपुरा में कॉल सेंटर का संचालन करते थे, जिसमें आरोपी जरूरतमंद लोगों से संपर्क कर रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड से लोन दिलाने के नाम पर मोटी रकम ले लेते थे। आए दिन आरोपियों की शिकायत साइबर क्राइम में पहुंच रही थी। लगातार शिकायत मिलने के बाद साइबर क्राइम ने दिल्ली से मुख्य आरोपी समेत उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृदुभाषी के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।